आपका सन बिजनेस क्लास वाले को पहला दे रहा है। शुक्रिया, आपके साथ में सफर काट के मजा आ गया। आपके साथ में भी शुक्रिया। एयर इंडिया की फ्लाइट में जो लाइन है ना वो देख लो, वो वहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरा उन रखा था गिरा टप करके। ये रहा कुवैत सिटी, कुछ ऐसा दिखता है एक्चुअल। ये लेने के लिए मेरे को पासपोर्ट देना पड़ा है, बिना पासपोर्ट और मेरा बोर्डिंग पास के ये दे ही नहीं रहे थे। तो मैं ना फैमिली मिल गई फोटो निकालने के लिए बोली, तो ये लोग का फोटो निकाल लेता हूँ मैं। डिपार्चर के गेट पे आ गया, ये रहा डिपार्चर। अभी देयर इज सिक्योरिटी ज़्यादा हो गया। अब लग रहा है कि मैं इंटरनेशनल कुवैत एयरपोर्ट पे हूँ इतने दिन के बाद में, कितना प्यारा लग रहा है। हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसा लग रहा हो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और अच्छा लग रहा हो कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा हो तो थैंक यू सो मच, और आपने गाली भी मारा तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो फिलहाल ये मेरा बेड कुछ इस हालत में, भाई इतने सारे कचड़े निकले कि पूछो मत, दो साल के बाद मैंने इसको ऊपर किया। बट कोई नहीं, एवरीथिंग इज रेडी। ये लोग सब लोग चले गए, आई एम द अलोन। मैं अभी एक बंदे को उठा के बोल रहा हूँ उसको बाय, और फिर चलते हैं यहाँ से। चल भाई पहन ले, पहन ले। Pink champagne. इसे ज्वाइन किया मुझे। हाय भैया, थैंक यू सो मच, जस्ट लिटिल हेल्प आई नीड। I'm doing okay for the first time in a while. There's nothing to dog in here. Only cup, cup, bro, no cup. The burger king cup. I send the one. You can't forget her, a superstar. Like ooh, we just get. कॉफ़ी ले लिया हो अभी, और अभिषेक मेरे को छोड़ने के लिए आया हुआ है। तो बस कार आ रही है मेरी, मतलब मेरे बाप की तो नहीं है, बस श्रीलंगन गाय है उसकी आ रही है। इसके बाद पीने का नहीं मौका मिलेगा ना कुछ खाने का, भागो 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 लगा रहेगा, क्योंकि एक ही कंट्री का है ना, तो एकदम मस्त आपस में बात कर रहे हैं। तो भाई अभी चल रही सामान मैं रखता हूँ। थैंक यू अभिषेक, टू टॉक ना दिस वन आफ्टर 45 डेज। अभी हम लोग बैठ चुके हैं भाई के कार में, थैंक यू सो मच, और निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, साथ में मेरे भाई है अपने ललित भाई। और चलो आप लोग रोड का व्यू एंजॉय करो, और मैं इनसे गप्पे मारता हूँ। We just get better, our dreams get bigger, and we won't stop like ooh. मैं कुछ तो निकालूंगा आगे चल के, मेरे को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। कौन सा? ये नया बन रहा है जो भी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं क्या दिखाऊँ घर पे, ये वो सब घरियाली है। कुछ भी नहीं है बाबा, मेरी फ्लाइट जा रही है वहाँ पे। तो भाई ऑलरेडी हम लोग एयरपोर्ट के एरिया में पहुंच गए हैं, तो यहाँ का लुक और नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। ये देखिए यहाँ के जंगल, और आगे कुछ तो दिखेगा, अगर कुछ दिखेगा तो और दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे खाली मेरे को पेड़ पौधे दिख रहे हैं, मेरे ऊपर ही मेहरबानी, मेरे ऊपर सीधा आ रहे हैं। भाई पहुंच गए आपको यहाँ पर, ये रहा यहाँ का एयरपोर्ट। अभी मेरे को पहले ट्रॉली वगैरह सब लेना पड़ेगा, ट्रॉली उधर है। हाँ पहले ट्रॉली लेके आए। बाय, थैंक यू सो मच, आने के टाइम पे मैसेज कर। हो गया भाई, एयरपोर्ट का कुछ सीन ऐसा है, अब
एंट्री करने के लिए कहाँ से करना है मेरे को पता नहीं है। मिशन चलो भाई चलते हैं, अभी एंट्री कहाँ से करना है। तो भाई यहाँ की जो आगे की जर्नी रहेगी ना वो मेरी अकेले रहेगी और मुझे पता नहीं है, पहले पूछना पड़ेगा कहाँ से एंट्री है कहाँ से नहीं है, क्योंकि कुछ सीन ऐसा है यहाँ पे। भाई अंदर जाने के लिए यहाँ से ना वो एक नंबर में एक रुक जॉब एयरपोर्ट पे आने के बाद में एकदम अलग सा फीलिंग हो रहा है, कसम से बता रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ जल्दी आ गया, मगर सीन देखो फिर भी यहाँ से लेकर मेरे पीछे तक मतलब लाइन बढ़ती ही जा रही है भाई, दिख रहे ना ये लोग भाई साहब पैसा चार्ज करते हैं, पैसा एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। मेरे को पूछ रहा था ट्रॉली ले चाहिए, ट्रॉली चाहिए क्या तुमको, छोड़ेगा मैं अंदर तक, मैंने मना कर दिया नहीं चाहिए मेरे को, एक केड़ी दो केड़ी जो भी तुमको देना रहेगा देने, ऐसा बोलता है, मैंने बोला नहीं चाहिए। एयर इंडिया की फ्लाइट में जो लाइन है ना वो देख लो, वो वहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरा फुल है। अब मेरा नंबर कब आएगा पता नहीं, जब आएगा तो देख ही लेना, देखते मेरा है ना 2 किलो लगेज एक्स्ट्रा हो गया है, अब देखते हैं ये लोग चार्ज करेंगे कि छोड़ेंगे। मगर मेरा इसमें है ना, अरे यार इसके अंदर मेरा है ना 3-4 किलो ये, मतलब मैं 2 किलो इसमें निकाल के डाल दूंगा अगर कुछ मुश्किल हुआ तो, नहीं तो फिर कली वली। अभी देखते हैं यार, बहुत लोग लेके जा रहे सामान। अभी जेकब मिला और भाई क्या वाइब मैच हुआ है। थैंक यू ब्रदर, यू गिविंग मी सम लाइफ लेसन, थैंक यू भाई। बात करके इनसे मेरे को अच्छा लगा, मेरे को एक दोस्ती वाला भाई आ गया, कोई था नहीं तो अगला मैं इनसे ही बात करने लगा। सो ये अभी घर जा रहे, ये भी छुट्टी पर और मैं भी जा रहा हूँ छुट्टी पर, तो दोनों जन मिलकर अभी फ्लाइट में अगर साथ में बैठना हुआ तो मचाएंगे, वरना यही लाइन में खड़े रहेंगे अभी। चलो भाई अपना नंबर आने वाला है, पासपोर्ट मेरे बैग में रखा हुआ, पासपोर्ट निकाल लेता हूँ। भाई साहब 3 किलो ज़्यादा हो गया भाई, 2 किलो कम करवाया मैंने, 29 kg किया, कितना खड़ूस है देखते। कल मेरे से 2 किलो निकलवा के फिर वापस से बैग में दूसरे वाले बैग में मैंने ट्रांसफर किया, अब मेरे को सारे बैग मेरे मिलेंगे, अब मैं पूरा नंगा हूँ, मतलब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं पॉकेट चिप निकाल रहा था वो भी निकालने के लिए मना कर दिया। हाँ हमारा भाई साहब अभी ये नज़ारा देख लो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है, अब लग रहा है कि मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ इतने दिन के बाद में, कितना प्यारा लग रहा है ना, सुपर। अभी हमें जाना है गेट नंबर 24 पे, बट उसके पहले मैं सोचा था इंडियन करेंसी एक्सचेंज करा लूँ, अब यहाँ पे आसपास कोई दिखता तो मैं करवा लेता हूँ। भाई डिपार्चर की गेट पे आ गया, ये रहा डिपार्चर, अभी देयर इज सिक्योरिटी। साइड बैग लेने आए थे मगर मिला नहीं भाई, 12 kg 15 kg ऐसा लुल्लू सा जाए, दिस इज यू नो हाउ मच 2 kg ओनली, ओके सिटी राइट, महाबुला नॉट सिटी, सो महाबुला भाई ब्लॉग भी बन रहा है, फोटो भी बन रहा है। फाइनली भाई डिपार्चर पे आ गया, अब देता हूँ इनको। फाइनली अपना हो गया इमिग्रेशन, सब कुछ कंप्लीट, ज़्यादा कुछ चेक नहीं किया और हो गया एकदम अच्छे से। एयरपोर्ट पे आया है तो फोटो नहीं उठाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ये दिस आर दी पीपल फॉर सैक्रीफाइस फॉर कुवैत, आई थिंक लाइक दिस, आई दिस इज माय मेंटालिटी। तो एक फोटो तो बनता है ना यहाँ पे। 24 पे पहुँच गए मगर अभी ये खुलेगा 8 बजे, तो अभी बहुत सारा टाइम बाकी है, तो उसके पहले हम लोग जाते थोड़ा सुसु करने के लिए सीधा वहाँ पर, क्योंकि भाई ने ना लिक्विड का पानी लिया था, मतलब पानी लिया था तो पानी इमिग्रेशन 2 बॉटल पूरा खड़े खड़े पी गया। अच्छा हाँ 2 बॉटल अलाउड नहीं है ना मतलब वो पीना, तो लेट्स गो टॉयलेट डाउन, तो अभी अभी अंदर जा रहे निकालने के लिए मूत्र विसर्जन। मेरा भी पानी निकल रखवा दिया, बोला फेंक दो पानी, ये आ गया मैन टॉयलेट में, आई वन नीवन मैन का लाइट है सब, अच्छा तो लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, अभी चलते हैं।
ट्राइपॉड नहीं था तो मैंने इसका जो अभी आपने टाइम लैप्स देखा ना, मैंने इसका सहारा लेके बनाया। तो थैंक यू दादा, दादा ने हेल्प किया। चलो अभी भाई बहुत टाइम है, 2 घंटे बैठना पड़ेगा यहाँ पे। बेबी अच्छी, 1 घंटा और बाकी, ये 3 नंबर वाला गेट चालू हो गया है। तो भैया मैं सोच रहा हूँ कि एक बार और होके आ जाता हल्का, तो अभी जा रहा हूँ नीचे वापस। लोग जा रहे हैं, कितना लंबा लाइन लग गया है डिपार्चर। ठंडी लगते लगते सुसु लग जा रही है। पिक्चर में आपको देखने मिल रहा है। तो मैं ना 2 मिनट के लिए वॉक करने, अगर बैठे बैठे परेशान हो गया था, बोला कि 2 मिनट के लिए ऐसा वॉक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जा देखता हूँ कुछ है क्या। मगर यहाँ पे खाने पीने का कुछ भी नहीं, जो भी प्री सिक्योरिटी सब जाके चला गया। तो भैया यहाँ पे है, देखते कुछ अगर आप चॉकलेट लोगे ना तो वहाँ बोला अपने एरिया से लेना, नहीं तो यहाँ पे लुट जाओगे। 3 KD, 7 KD, 3 KD, 17 KD का ये चॉकलेट है ज्वेल्स का, 17 KD, बाय 2 गेट 1 फ्री है भाई, लुट जाओगे। तो मैं बस ऐसे ही घूमने के लिए, राउंड मारने के लिए आया, क्या है बट सारे चॉकलेट्स के ही दुकान है। 18 KD किटकैट मेरे पास में पूरा ख़त्म हो गया, मेरे पास में कुछ नहीं है। 3 KD का नॉर्मल, ये ड्यूटी फ्री एरिया, आप यहाँ से बिंदास जितना चाहिए लेके जा सकते हो, मगर वहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, आप लगेज में मतलब नॉर्मल इसमें रख सकते हो। ऐसा भी कुवैत का मेन ट्रेडिशनल वाला थिंग है, ले लिया एक। चलो भाई 850 फीस का, मतलब 250 रुपये का एक है। मेरे पास में सब अंदर रखा लिया, केला चिप्स निकाला था, मैं सोचा पिएगा। और भाई ये लेने के लिए मेरे को पासपोर्ट देना पड़ा यार, बिना पासपोर्ट और मेरा बोर्डिंग पास के ये दे ही नहीं रहे थे, तो उसको दिया तो जाके दिए मेरे को। बट चलते अब पीते, रेड बुल शुगर फ्री लिया मैंने, वैसे ही शुगर खा के इतना बड़ा मतलब मोटा ही तो हो रहा हूँ। ये है मॉडर्न एग्रीकल्चर कुवैत का। चलो अब सीधा बैठने के बाद में ही मिलेंगे आपको। लोग यहाँ पे सब जा रहे हैं ना, अब फीलिंग आ रहा है कि हमारा कब होएगा। 7:30 बज गए यार, जल्दी से हो जावे। लोगों ना ये सारे मुंबई जाने वाली फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं। ये देखो 24 नंबर गेट दिख रहा है ना वहाँ पे, तो भैया वहीं से हम निकलेंगे और सीधा मुंबई एयरपोर्ट से सीधा अपने घर पे। मगर घर वाला जो मूवमेंट होगा ना वो अलग ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि वो एकदम इमोशनल वाला मूवमेंट होगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। भाई आपका प्यार सपोर्ट देते रहो। जी एयरपोर्ट की जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया, मेरा 3 से 4 KD, 5 KD लगता है टैक्सी का, आप टैक्सी से में आ सकते हो 5 KD पकड़ के, और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो 3 KD, 2 KD, जैसा आपका बिहेवियर, आपका पहचान उस हिसाब से। तो भैया मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद में, कहाँ जो ये फीलिंग है ना भाई चरम लेवल पर है। एंट्री हो गया भाई, अब चलते सीधा अंदर देते हैं, अब चेकिंग वेकिंग होगा हमारा वापस से यहाँ पर बैठने से पहले। भाई अभी पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, जस्ट वेट कर रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट मोर, देन इसके बाद में अंदर जाएंगे। यार जल्दी से पहुँच जाऊँ वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कसम बिजनेस क्लास वाले को पहला दे रहा है। सुरक्षा सही नहीं है तो आपको पैसेंजर्स को दूसरी ओर भेजना है। मैं आपको ना छोटा सा वॉशरूम का टूर दे रहा हूँ,
तो ये है आईना, ये है टिश्यू पेपर, और ये हॉट वाटर के लिए सैनिटाइजर। इसी में सब कुछ करना है, इसी में रहना है भाई, चलते हैं बाहर। मैंने कर लिया, ये करना है ना। भाई जो करना था कर लिया है, अभी जाते हैं। तो मेरी सीट वहाँ पर है पाजी के, मेरे को याद है पगड़ी वाली सीट है, तो बीच वाला खाली था, वहाँ पर ही बैठते। चलो भैया, आई होप सो कि आपको है ना वॉशरूम का टूर भी दे दिया, मजा आ गया। सभी ग्राउंड पंसल से निवेदन है कि विमान से उतरते हैं आज एट 40 मिनट्स एंड वी शैल बी क्रूजिंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ बेल्ट को निकले, फ्लैप उठाए और सिरों को अलग करें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने आप ले जा जाएंगे। अभी हमारी फ्लाइट है ना उड़ चुकी है, तो अब आपको सीधा मिलता हूँ मुंबई वाले एयरपोर्ट पर, तो मिलते हैं। बाय बाय। मैं सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ फ्लाइट चला के। खाना मिलने जा रहा है और भूख भी सही टाइम पे लगी है, तो ये मैडम लोग सर्विस कर रही हैं, तो अभी लेते हैं अपना खाना पीना। तो आपको दिखाता हूँ खाने में क्या है। थैंक यू सो मच। तो भाई लवली ड्रिंक मिला है मेरे को। तो भाई ये क्या है मेरे को, देख लो में मिला है हमको, देख लो देना हो गया सब कुछ खत्म। भाई पाजी ने भी डूड शुक्रिया, आपके साथ में सफ़र काट के मज़ा आ गया। भाजी आपके साथ में भी शुक्रिया भाई, दो दोस्त मिल गए, पूरा सफ़र एकदम अच्छे से कट गया। हम आशा करते हैं कि भारत में आपका समय सुखद हो। सभी ट्रांजिट अतिथियों को सुरक्षित आगे की यात्रा करने के लिए शुभकामनाएं। भाई साहब ये सीन देखो, खाली निकलने का सीन है, इतना बिजी है, अब कैसे निकलेंगे पता नहीं। भाई साहब, तो भाई साहब बिलीव ही नहीं हो रहा है, आई एम राइट नाउ इन मुंबई एयरपोर्ट, एकदम अलग सा फीलिंग हो रहा है। देखो सब कैसे जा रहे हैं, एक समय था यहाँ पे काम करता था मैं TFS ट्रैवल फूड एंड सर्विसेज कंपनी में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, बिलीव ही नहीं हो रहा भाई फाइनली पहुँच गए। लुक एट दिस व्यू, सब भाग रहे फटाफट। भाई साहब जस्ट नाउ इमिग्रेशन कम्प्लीट करके अब उन ड्यूटी फ्री पे नहीं उतरे, मगर आप उनको कुछ लेना वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें महंगी है। तो चलते हैं सीधा बाहर की तरफ, और बेल्ट नंबर 7 पे मेरा लगेज है, पहले उसको उठाएंगे, अब इसको रखते हैं अंदर, इसका काम हो चुका है। लेके मैं घूम रहा हूँ, 12 नंबर पे वेट करने बोला, ये रहा अपना 12 नंबर, अब जैसे एक दो मिल चुका है, अब ये रहा तीसरा वाला, आजा भाई तेरा ही इंतजार कर रहा था। ओहो, तो तीसरा वाला बैग भी आ चुका है, अब रखते हैं और निकलते हैं अपने घर की तरफ। सो लुक्स लाइक दिस, भाई सबके परिवार यहाँ पे लेने के लिए खड़े हैं, काश मेरे परिवार वाले को भी मिलाता तो कितना अच्छा लगता। तो वेलकम ब्रो, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे लोग खड़े हुए, माशाल्लाह बहुत एकदम मस्त मैं और सब, यही मूवमेंट अभी घर पे जाके मज़ा आने वाला है भाई साहब, मगर मेरी बैटरी है ना एकदम लो है। चलो चलो टैक्सी वैक्सी ढूंढने का सीन क्या करते,
एक बार लोगों की फीलिंग लेने आया चलते आने वाला हूँ। तो गाइस इसी के साथ में मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, और क्योंकि फैमिली मूवमेंट होने वाला है, बहुत अच्छा वाला मूवमेंट होने वाला है। अब सीधा मिलेंगे घर पे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड जी हाँ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिव योर लव एंड सपोर्ट। हाँ, कि अब इमोशनल मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो देखो, सब अपनी खुशी के मारे सब जा रहे हैं भाई अपने घर पे। दे आर वेरी हैप्पी एक्साइटेड ऑल्सो। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।